नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में विधवा महिला को मुकदमे में पैरवी करने पर आरोपी उसे व उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विधवा महिला का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर उसके बच्चों पर तमंचा तान दिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट चुकी है। ककरोली थाना क्षेत्र के गाँव खेड़ी फिरोजाबाद निवासी विधवा महिला सीमा पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए जानकारी दी कि उसके पति की कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है। उसके तीन बच्चे हैं जिनका वह मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण कर रही है। महिला का आरोप है कि उसके साथ जमीनी विवाद चला रहा है जिसकी वह खुद पैरवी कर रही है। कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा उसे जान से मारने की धमकियां मिलती आ रही है। कुछ दिन पहले भी दबंगों द्वारा जान से तारीख पर जाने के समय दबंगों द्वारा रास्ते में रोककर विधवा महिला को और उसके बच्चे उस वक्त घर पर थे जहां गांव के कुछ ही दबंग तमंचे लाठी व धारदार हथियार लेकर विधवा महिला के घर पर घुसा और विधवा के बच्चों को तमंचे से आतंकित करते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला का आरोप है कि धमकी देने से उसके बच्चे काफी डरे हुए हैं। वहीं महिला ने बताया कि बच्चों को डराते धमकाते हुए जब उनके लड़के ने फोन से वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उसके बच्चे को आरोपी ने धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि विधवा महिला व उसके बच्चों को जान का खतरा बना हुआ है। मेरा नाम सीमा है। हमारे साथ 5 साल से मुकदमा चल रहा है जी। हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं और जी जब से हम जाते हैं तो ये जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वे हमें डांटते हैं, उनको तो हमें जान से मार देंगे जो तुमने अपने मुकदमे की कार्रवाई करी। और जी हमने उसमें एक एप्लीकेशन तो हमने 6 तारीख में दी थी जी, और एक फिर उसके बाद में 13 तारीख में उन्होंने फिर हमारे घर में घुस के हमें मार पीट करने की कोशिश करी जी और जान से मारने की धमकी करी। तमंचे मंचे ले रहे थे, कट्टा वट्टा ले रहे थे जी वो, और 2 बाहर थे जी, एक 2 अंदर गए थे। एकदम से एक रोशन अंदर गया जी और एक सन्नू अंदर गया, सन्नू कृतपाल, और इन्होंने जी हमारे साथ हत्तापाई करी और यही कह रहे बार बार तो वो मार देंगे हम जान से, जमीन में कुछ नहीं बोना, घर हमारा है, हमारे बाप का है, जमीन हमारी है, हमारे बाप की है, हम तुम्हें कुछ नहीं देने के, और तुम इस घर से निकलो, उन्हें तुम्हें बिल्कुल ख़त्म करेंगे जान से। जैसे ही लड़की ऊपर से आई उनने एकदम से जी ऊपर से आने पर फोन उठाया चार्जिंग पर से, फोन उठाने के बाद में एकदम से उस वो वीडियो बनाने लगी तो तुरंत भाग गए जी एकदम। बताओ हम क्या करें जी। एप्लीकेशन दी थी जी हमने जी। कुछ आश्वासन मिला? हाँ जी, वहाँ से आश्वासन मिला था कि तुम्हारा पूरा सहयोग किया जाएगा जी। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।